हेलो गाइस, तो स्वागत आप लोगों का बिल्कुल नई वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से फ़ोन के गेम्स को पीसी के थ्रू स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी बिना किसी लेटेंसी के, स्मूथ एकदम स्मूथ, समझ रहे हो। किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हार्डवेयर से करोगे मस्त एकदम एलगाटो जैसा स्ट्रीम होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रीम करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये कैप्चर कार्ड, ये देख लो, ये ऑक्सलो का कैप्चर कार्ड है। ये अमेजोन पे आसानी से 1000 से 1200 तक का मिल जाता है, मेरे को 1200 का ही मिला था। दूसरा चीज़ चाहिए होगा हमें ये जूक का HDMI लिंक, ठीक है। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बता दूंगा डिटेल में। और हमें क्या चाहिए होगा, ये साउंड कार्ड, ठीक है। अगर आपके PC या लैपटॉप में सेपरेट हेडफोन और माइक का जैक है तब आप इसे स्किप कर सकते हो, वरना ये लेना ज़रूरी है। और हमें चाहिए होगा एक 3.5 mm स्प्लिटर। हाँ पता है मेरा एक टूट गया है, इसका भी अब क्या ही कर सकते हो, टूट गया तो अभी मेरे पास यही था, मुझे दूसरा लेना है। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो इसका भी एक अल्टरनेटिव मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आगे मैं OBS में सेटअप बता दूंगा, इजी है। तो अनबॉक्स कर लिया जाए, क्या बोलते हैं ना, ओहो काफी हैवी आइटम निकल रहे हैं भाई इसमें से। ये है कुछ मैनुअल, अगर आप पहली बार सेटअप कर रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा डिटेल में, तो आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा सेटअप बता दूंगा मैं निकल गया। हाँ तो ये देखो भाई, ये है हमारा मेन आइटम जिसके थ्रू हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को मस्त अपने PC तक भेजेंगे। इसमें देखो ये जो है ना, ये है चार्जिंग के लिए, मतलब इसमें पावर देने के लिए, इसको पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हो गया। बाकी ये देख लो भाई, बहुत लंबा है, 2 मीटर लंबा तार है। इसमें देख लो ये तीनों पोर्ट दिया हुआ है, अपना हो गया माइक्रो टाइप सी और अपना लाइटनिंग एप्पल वाले फोन के लिए, भला वो ये सस्ता जुगाड़ क्यों करेंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी दे दिया है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो है एंड हमारा USB वाला, ठीक है, इसे हमें अपने PC में लगा देना है, PC के पोर्ट में, या फिर हम किसी इस तरह का चार्जिंग ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, इसे इसमें से लगा करके इसे अपना डाल दो प्लग में, इस पर बस लाइन आना चाहिए, ठीक है, हो गया ये। और उसके बाद ये जो HDMI का ये है ना, ये लिंक, ये हमारे कैप्चर कार्ड में जाएगा इस तरह। चलो देखो ये हो गया, इधर कनेक्ट हो गया, और ये जो है अपना कैप्चर कार्ड, ये अपने PC से कनेक्ट होगा या लैपटॉप से, जिससे भी आपको स्ट्रीम करना है। तो ये सब कनेक्ट करने के बाद मैं OBS में कैसे सेट करना है ये आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने PC के स्क्रीन पर। तो चलो चलते हैं, आपको मैं सारा सेटअप बता देता हूँ और ये सब भी मैं लगा लेता हूँ तब तक। तो गाइज अब हम अपने PC की स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैंने OBS खोल लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है कि सोर्सेज पे जाना है, ठीक है, सोर्सेज पे जाना है, उधर वीडियो कैप्चर डिवाइसेज पे जाना है। वीडियो कैप्चर आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं वीडियो कैप्चर डिवाइस 2 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर डिवाइसेज में आपको सेलेक्ट करना है USB 3.0 कैप्चर, मेरा ऑटोमेटिक ही ले लिया, आप लोगों का भी ऑटोमेटिक ले ही लेगा, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है इधर रेजोल्यूशन एंड FPS टाइप पे, तो इधर डिवाइस डिफ़ॉल्ट से हमें कस्टम पे कर देना है, और हमें रेजोल्यूशन कर लेना है 1920x1080, अपना हो गया फुल HD, और FPS हमें कर लेना है मैक्स ये 60 FPS, ठीक है, अब हम कर लेंगे ओके। तो अभी इधर का हो गया, अब हमें वापस से फ़ोन पे जाना होगा, हमें फ़ोन पे भी कुछ सेटिंग करनी है, तो हम चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे। तो गाइस फ़ोन में आने के बाद हम लोगों को प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है, और इजी कास्ट ऐप करके एक एप्लीकेशन आएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन कर लेना, ठीक है,
ओपन करने के बाद जो अपना टाइप सी वाला कनेक्टर था, ठीक है, उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो कनेक्ट हो गया, ऊपर में चार्जिंग दिख गया। अब हम राइट हैंड साइड ऊपर में जो सर्च का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये जो है QR कोड स्कैन, इस पर हम स्कैन कर लेंगे जो हमें दिख रहा है। स्कैन करने के बाद हमें इस तरह का कुछ दिख जाएगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद ईजी कास्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट नाउ कर देना है। ठीक है, स्टार्ट नाउ करने के बाद ही हमारे फ़ोन की जो स्क्रीन है वो उधर पीसी पे कास्ट हो जाएगी। मैं आपको पीसी की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, देख लेते हैं उधर। तो गाइस, हम अपने पीसी के स्क्रीन पे आ गए हैं और आप लोग देख सकते हो कि हमारी फ़ोन की जो स्क्रीन है वो कास्ट हो चुकी है और बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है। मस्त स्मूथ हम कोई भी गेम खेल सकते हैं और आराम से चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा गेम भी, कोई भी गेम चलने में। तो मैं गेम खोल कर ही दिखा देता हूँ, देख लो आप। बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है भाई, बिल्कुल सही से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, कोई सॉफ्टवेयर का लफड़ा नहीं, किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। प्रॉपर हार्डवेयर से स्ट्रीम कर रहे हो आप, तो अब किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मस्त आराम से गेम खेलो, बस सही से चलेगा सब कुछ। तो कट कर दो भाई, इतने सारे एड्स आते हैं भाई फ्री फायर। हाँ तो देख लो भाई ये। तो अगर आप लोग गेम प्ले की वीडियो देखना चाहते हो इससे सेटअप के थ्रू, तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और आपको स्टोरी मोड्स गेम में इंटरेस्टेड हो तो आप राइट वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो।